नमस्कार, वेलकम टू सूरज पांगारकर ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम सी चार्ट और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्स बार आर चार्ट और पी चार्ट पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, आज हम सी चार्ट्स पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, सी चार्ट बेसिकली क्या होता है ये मैंने कंट्रोल चार्ट्स के वीडियो में एक्सप्लेन किया था, फिर भी आज हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सी चार्ट्स हम कब ड्रॉ करते हैं? सी चार्ट्स तब ड्रॉ किए जाते हैं जब हमें एट्रीब्यूट मेजरमेंट करते हैं। एट्रीब्यूट मेजरमेंट यानी क्या, हमने पढ़ा है। एट्रीब्यूट यानी जैसे हम कभी मेजर करते हैं ओके नॉट ओके करके, जैसे कि गुड और बैड करके, और जैसे कि गो और नो गो करके, ये जो सारे मेजरमेंट होती है इसको हम एट्रीब्यूट मेजरमेंट कहते हैं, और उसके जो चार्ट्स होते हैं उसको सी चार्ट्स कहते हैं। ओके, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो चार्ट्स है सी चार्ट्स, ये हमेशा डिफेक्ट के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। हमेशा याद रखें, पिछले वीडियो में हमने जो पी चार्ट वाला सेक्शन लिया था वो डिफेक्टिव पार्ट्स के लिए था, लेकिन सी चार्ट की एक खासियत है कि ये नंबर ऑफ डिफेक्ट्स के लिए काम करता है या उसको ड्रॉ किया जाता है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। ओके, चार्ट्स फॉर डिफेक्ट। जब हम डिफेक्ट की बात करेंगे तो ये वन सैंपल चेकिंग करता है एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही सैंपल चेक करेगा और उस सैंपल में कितने डिफेक्ट से, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर जॉब, ये वो कैलकुलेट करेगा। ओके, इसलिए सी चार्ट्स ड्रॉ किया जाता है। हमेशा यही बात याद रखें, सी चार्ट कब ड्रॉ किया जाता है, जब हम एखादा कंपोनेंट चेक करते हैं और चेक करने के बाद उसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आते हैं। अभी डिफेक्ट्स कौन से भी हो सकते हैं, लेकिन डिफेक्ट्स को जनरली चार कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जो क्लास ए के डिफेक्ट्स होते हैं उनको वेरी सीरियस करके बोला जाता है। ये जो डिफेक्ट है वो सीरियस होते हैं, इस वजह से आपकी जो प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्वालिटी पे अफेक्ट हो सकता है, ये वाले होते हैं क्लास ए वाले डिफेक्ट। क्लास बी में जो डिफेक्ट आते हैं उनको सीरियस डिफेक्ट बोला जाता है, और क्लास सी में जो डिफेक्ट आते हैं उसको मॉडरेट डिफेक्ट बोला जाता है, और क्लास डी में जो आते हैं उनको माइनर बोला जाता है या उसको नॉट सीरियस भी बोला जाता है। ये बात हमेशा याद रखें कि कौन सा भी सी चार्ट बनाते वक्त हम किसी भी कंपोनेंट के सारे डिफेक्ट्स को कैलकुलेशन में नहीं लेते, क्योंकि जब हम सारे डिफेक्ट्स को कैलकुलेशन में लेंगे तो हमारे कंपोनेंट के क्वालिटी जो है वो हमें इम्प्रूव नहीं दिखेगी, वो बहुत ही क्वालिटी हमारी कम हो जाएगी, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे क्वालिटी पे इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हमारे जो मेन डिफेक्ट से क्लास बी, इन पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, क्लास डी पे हम ध्यान नहीं देते हैं, जिनको माइनर या नॉट सीरियस डिफेक्ट बोला जाता है। ये हो गया सी चार्ट्स के बारे में जनरल एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं फॉर्मूलाज पे। फॉर्मूला हम देखेंगे। देखो, कंट्रोल चार्ट्स ड्रॉ करते वक्त तीन चीजें हमेशा याद हमें रखनी है, कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल। तो सी चार्ट में जो कंट्रोल लिमिट होता है वह हम सी बार से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, और उस सी बार का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट फाउंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जॉब्स इंस्पेक्टेड। हमेशा यह याद रखें, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट फाउंड, एक टोटल नंबर ऑफ जो डिफेक्ट है वह हमें कैलकुलेशन में लेना है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जॉब्स इंस्पेक्टेड। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम एखादी बाइक है उसका चेकिंग कर रहे हैं, तो चेकिंग करते वक्त बाइक में सपोज पांच डिफेक्ट आ जाते हैं, तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट। कितने डिफेक्ट है? पांच। ओके, ये एक पीस के लिए हो गया, लेकिन जब हम ज्यादा कंपोनेंट्स को चेक करेंगे तब हम टोटल नंबर ऑफ जॉब्स यहां लिखेंगे, जितने भी इंस्पेक्ट किए होंगे। ओके, तो फॉर्मूला सिंपल सा है, याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट फाउंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ जॉब्स इंस्पेक्टेड। इसी को हम समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन भी लिख सकते हैं। समेशन ऑफ डी यानी डिफेक्ट टोटल, और एन यानी टोटल जॉब्स इंस्पेक्टेड। ओके, अभी अपर कंट्रोल लिमिट के लिए फॉर्मूला है सी बार प्लस 3 × √C bar। सी बार की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की होती है, वही वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हम
हमें मिलता है अपर कंट्रोल लिमिट, और अगर हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं तो हमें मिलेगा लोअर कंट्रोल लिमिट। ये तीन फॉर्मूले ही बस हमें याद रखने हैं सी चार्ट्स को ड्रॉ करते वक्त। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम हम अभी यह सॉल्व करते हैं जिससे आपका यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सी चार्ट का एक न्यूमेरिकल मैंने यहां लिखा हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल, द फॉलोइंग टेबल गिव्स नंबर ऑफ एरर्स इन अलाइनमेंट ऑब्जर्व एट द फाइनल इंस्पेक्शन ऑफ अ सर्टन मॉडल ऑफ एरोप्लेन, प्रिपेयर सी चार्ट ऑन इट। ओके देखिए द फॉलोइंग टेबल गिव्स नंबर ऑफ एरर्स, ओके वो नंबर ऑफ एरर्स दिखा रहा है यानी डिफेक्ट दिखा रहा है हमें, नंबर ऑफ एरर्स इन अलाइनमेंट ऑब्जर्व। अलाइनमेंट का कुछ तो एरर होगा या डिफेक्ट होगा वो हमें दिखा रहा है, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एट द फाइनल इंस्पेक्शन ऑफ अ सर्टन मॉडल ऑफ एरोप्लेन, ओके हमें उस पे सी चार्ट प्रिपेयर करना है। देखिए हमें ये चार्ट गिवन है हमारे न्यूमेरिकल में, प्रॉब्लम में, ये आपको एग्जाम में दिया होगा, ऐसे टाइप का एग्जाम में आपको वैल्यूज दी होगी। देखिए पहले कॉलम में क्या है, एरोप्लेन का नंबर है, टोटल 10 एरोप्लेन की हमें चेकिंग करनी है। क्या चेकिंग करना है, उसका अलाइनमेंट टेस्ट करना है। और जब अलाइनमेंट टेस्ट किया तो इधर सेकंड कॉलम में क्या लिखा है, नंबर ऑफ अलाइनमेंट डिफेक्ट, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट यहां दिए। देखो हम पहला एरोप्लेन चेक किया तो उसमें 2 डिफेक्ट निकले, दूसरा चेक किया उसमें 3 डिफेक्ट निकले, तीसरा चेक किया उसमें 2 डिफेक्ट निकले, ऐसे टोटल 10 एरोप्लेन का डेटा हमें दिया हुआ है और हमें बोला गया है कि सी चार्ट इसका प्रिपेयर करो। ओके तो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि सी चार्ट कब ड्रॉ करते हैं, जब भी हमें डिफेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए हो, डिफेक्ट के बारे में। तो चलो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कंट्रोल लिमिट। ओके कंट्रोल लिमिट यानी क्या होता है, सी बार होता है। सी बार यानी क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है सी बार का, क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ डी अपॉन एन। समेशन ऑफ डी यानी क्या, समेशन ऑफ डी यानी टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट डिवाइडेड बाय एन, यानी क्या टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इंस्पेक्टेड। ओके अभी यहां देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट कितने हैं, अभी हम समेशन कर लेते हैं। देखिए ये अगर हम समेशन कर लेते हैं इसका, देखो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट इसका अगर हम समेशन कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ डी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 26। ओके तो हम यहां लिख लेते हैं समेशन ऑफ डी कितना आ गया हमारा 26। एन यानी क्या, कितने कंपोनेंट्स हमने चेक किए, कितने कंपोनेंट्स का इंस्पेक्शन किया, तो हमने यहां 10 एरोप्लेन का इंस्पेक्शन किया है इसलिए एन की वैल्यू आ गई 10। ओके तो हमारे सी बार की क्या वैल्यू आ गई, 26/10 यानी 2.6। ये हमें चार्ट बनाते वक्त काम में आने वाली है सी बार की। ओके अब कंट्रोल लिमिट हो गया, सी बार यानी क्या कंट्रोल लिमिट। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे अपर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्टली सी बार प्लस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ सी बार। ओके ये हम वैल्यूज पुट करेंगे, सी बार की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की है 2.6 प्लस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2.6, ये अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू हो गई 7.43। आप खुद से भी कैलकुलेट कर लेना, मुझसे गलती हो सकती है लेकिन आप प्रोसीजर को ध्यान में रखिए। अभी हम कैलकुलेट करेंगे लोअर कंट्रोल लिमिट। ओके ये हो गया हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है सी बार माइनस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ सी बार। ओके ये हो गया हमारा सी बार की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है 2.6 माइनस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2.6, ये आता है लगभग माइनस 2.2। अभी माइनस आ रहा है 2.2 आ रहा है यानी ये नियर बाय जीरो हो, हम लिख लेंगे। ओके ये माइनस में जा रहा है, माइनस को भी कंपोनेंट नहीं होता है या लिमिट नहीं होता है इसलिए हम जीरो कंसिडर कर लेंगे। ओके ये हो गए हम तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें कैलकुलेट करनी थी, हमने कैलकुलेट कर ली है, जैसे कि कंट्रोल लिमिट हो गया, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। अब आपको पता है कि हमें चार्ट ड्रॉ करना होता है, चलो चार्ट ड्रॉ करते हैं। देखिए अभी हम चार्ट ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करना है चार्ट आपको अभी पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल लिमिट जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए कंट्रोल लिमिट क्या बोला है हमें, 2.6। अभी यहां मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, सैंपल नंबर। सैंपल नंबर यानी क्या,
एरोप्लेन का नंबर, और जो हमारा वाई एक्सेस है वहां मैंने लिया है डिफेक्ट, यानी नंबर ऑफ अलाइनमेंट डिफेक्ट जो यहां दिया है उससे मैंने ये 2, 4, 6, 8 करके वैल्यूज पुट किया है या मार्क किया है। ओके, ये हो गया हमारा एक्स वाई चार्ट। अब हम उसमें वैल्यूज को पुट करने वाले हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल लिमिट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वो है 2.6। अभी 2.6 है तो हम कंट्रोल लिमिट, ये हो गया हमारा 2, इधर कुछ आएगा 3 और उसके बाद आएगा यह तो 3 आ जाएगा, तो हमें ड्रॉ करना है 2.6, यानी लगभग यहां तक वो आ जाएगा। ये हो गया हमारा 2.6। अब हम यहां लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये 2.6 पे हमने एक ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ की है, ये हो गया हमारा 2.6, यानी ये हो गया हमारा कंट्रोल लिमिट, यानी ये हो गया हमारा सी बार। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे अपर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट है हमारे पास 7.43, तो चलो ये 8 हो गया तो 7.43 यानी उसके थोड़ा नीचे आ जाएगा। ये मैंने पिंक कलर में एक लाइन ड्रॉ किया है, ये हो गया हमारा 7.43 यानी ये हो गया हमारा अपर कंट्रोल लिमिट। ओके, और लोअर कंट्रोल लिमिट जो है वो हमारा नियर बाय 0 है, तो ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है उसको मैंने फिर से पिंक कलर में ड्रॉ किया है, ये हो गया हमारा 0। ओके, अभी ये हो गया हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट। अभी तीनों वैल्यूज हमने पुट कर ली है, तीनों का लाइन भी बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे 10 सैंपल है यानी 10 एरोप्लेन जो है उनका टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट जितना है वो उस पर मार्क करने वाले हैं। देखो पहले एरोप्लेन का कितना डिफेक्ट था, 2 डिफेक्ट थे, तो चलो पहले में 2 अब हम इधर मार्क कर लेते हैं, ये हो गया 2। ओके, दूसरा एरोप्लेन में कितने हैं, 3 है, चलो दूसरा एरोप्लेन में 3 है यानी लगभग यहां आ जाएगा, 3 है यानी ये थोड़ा उसके ऊपर आ जाएगा, ये हो गया हमारा 3। तीसरा जो रीडिंग है यानी तीसरा जो एरोप्लेन है उसके डिफेक्ट है 2, तीसरे के डिफेक्ट हो गए 2, ये इधर आ जाएगा। ऐसे ही हमें सभी सारे 10 एरोप्लेन के यानी 10 सैंपल के सारे नंबर ऑफ डिफेक्ट जो है वो मार्क करने हैं। अभी मैं डायरेक्टली मार्क कर लेता हूं। देखिए सभी पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए है, अब हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए डायरेक्टली हम ज्वाइन कर लेंगे ऐसा। ओके, ये सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, ये हम बन गया हमारा पी चार्ट। अब हम इस पे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, देखिए हमारा अपर कंट्रोल लिमिट और हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट इन दोनों लाइन के बीच में ही सारे पॉइंट्स वेरी हो रहे हैं। ये जो पॉइंट नंबर 9 है ये बराबर कंट्रोल लाइन पे आता है, ये कंट्रोल लाइन से बाहर नहीं जा रहा, तो सारे के सारे पॉइंट ये 2 कंट्रोल लिमिट के बीच में ही वेरी कर रहे हैं। सारे पॉइंट ये 2 लाइन के बीच में ही है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्रोसेस इज इन कंट्रोल। ओके, इसको हम कंट्रोल प्रोसेस कहेंगे कि ये पूरी प्रोसेस कंट्रोल में है, इस पे कुछ भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।